हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन कड़ी। ये बहुत ही स्पेशल कड़ी है। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 350 ग्राम चिकन। इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच दही, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच ऑयल। इन सारे मसालों के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देना है। ये बहुत खट्टा दही नहीं लिया है मैंने। अब एक बाउल में लिया है 1 चम्मच कोकोनट, 6 बादाम और 1 बड़ा चम्मच काजू के टुकड़े और थोड़ा सा दूध मिला के इसे 10 से 12 मिनट पर इसे भी साइड पर रख देंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल। आप ऑयल तरी या आप ऑयल ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ा और भी ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें मैंने खड़े मसाले लिए हैं 6 से 8 काली मिर्च, 4 लविंग, 2 हरी इलायची, 1 तेज़पत्ते का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1 तेज़ टुकड़ा और ये 2 मीडियम कटी हुई प्याज। ये गरम मसाले को और प्याज को हमें अच्छे से भुनना है जब तक के प्याज थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाए तब तक। इसमें ज़रा सा नमक भी मिला देंगे ताकि प्याज जल्दी से कुक हो जाए। इसे 2-3 बार चम्मच चलाइए, देखिए ये प्याज होने लगा है हमारा। अब ये जब प्याज हो जाए तो इसे तेल में से एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इसे निकाल लिया है मैंने। ये बहुत इजी तरीका है और ये टेस्ट इसका बहुत बढ़िया आएगा। अब इसी पैन में मैंने लिया है 1 से 1.5 चम्मच बटर। अब मैंने इसमें हमने जो चिकन मैरिनेट करके 1 घंटे पहले रखी थी वो हम इसमें मिला देंगे और चिकन मिलाने के बाद इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ऑयल और बटर में। इसे फ्राई करने के बाद इसमें ज़रा सा पानी डाल के इसे पकने के लिए रख दीजिए। अब हम पेस्ट बना लेंगे। जो हमने प्याज और गरम मसाले निकाल के रखे थे ऑयल वाले, ये प्याज तली हुई है। इसमें जो दूध में ड्राई फ्रूट रखा था हमने वो है और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे 1 चम्मच से 1.5 चम्मच और इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। देखिए चिकन भी हमारा ऑयल रिलीज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखी है वो सारी। ये देखिए कितनी इसका टेक्सचर पेस्ट का कितना बढ़िया है, वैसा टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा चिकन कड़ी में। अब इसमें और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर और ये थोड़ी सी इलायची पाउडर और ये बाकी बचा दही। टोटल हमने 1/2 कप दही लिया है। ये इलायची का पाउडर डालने से इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़ेगा और बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत बढ़िया आएगी। इसे थोड़ा सा पानी मिलाइए, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उतना, और इसे मिला के अभी आपको तेल नहीं दिख रहा है, पकने के बाद दिखेगा। अब ढक के इसे 10 से 12 मिनट या फिर जब तक चिकन पक जाता है तब तक रखिए। देखिए चिकन हमारा पक चुका है। मैंने आपसे कहा था ना, अगर आपको तरी ज़्यादा पसंद है तेल तो आप इसमें थोड़ा और तेल डाल दो। बस ये हमारी चिकन बन चुकी है। लास्ट में हम 1/2 चम्मच बटर डालेंगे और इसे धनिया से गार्निश करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।